हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, मैं आज आ चुका हूँ गोरखनाथ मंदिर पे, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्थित है। और मैं एक यहाँ पे क्राउड लगा हुआ था, और देखिए ये मंदिर का मेन गेट है, गोरखनाथ मंदिर का मेन गेट। तो ये क्राउड लगा हुआ था, तो मैंने देखा यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये दिखाया जाए, इनकी कला को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाया जाए। तो देखिए, एक भाई साहब हैं, ये गणेश जी की रंगोली बनाए हुए हैं। अभी रंगोली पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो आप बने रहिए वीडियो में, मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। और देखिए, ये बीच में गणेश जी का वो बनाया गया है, उसके ऊपर से येलो रेड में कितनी अच्छी तरीके से कलर को वो किया गया है। और मैं अभी बता दूँ, ये रात के करीब 9:30 बज रहे हैं, इसलिए आपको क्राउड थोड़ा कम लग रहा है। जनरली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और इनके हाथों की कला देखिए, किस तरीके से, देखिए बिल्कुल क्लियर तरीके से कलर गिरा रहे हैं, और कितनी मेहनत से इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो मैं वैसे टहल रहा था गोरखनाथ मंदिर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी कला को थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया जाए कला का, और इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर लिया। तो देखिए ये किस तरीके से बना रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से डिजाइनिंग बना रहे हैं। नॉर्मली हम लोगों को एक छोटे से आर्ट में कितनी दिक्कत होती है, कितनी बार इरेज करना पड़ता है, लेकिन इनके हाथ की कला देखिए और इनकी स्पीड देखिए। मतलब इनके दिमाग में पहले से फिक्स है कि मुझे क्या करना है, कि कैसे है, क्या कैसे करना है, और बिल्कुल क्लियर तरीके से ये सब काम को करते जा रहे हैं। ये देखिए मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है। रात का सीन है, इस वजह से लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी अच्छी, जैसा आपको पता है गोरखनाथ मंदिर पर लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी करी जाती है, क्योंकि ये सीएम जी का मठ है, योगी आदित्यनाथ का मठ है। तो ये रंगोली इस मेन गेट पे, गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट के बाहर ही बनाई जा रही है। यहाँ पे यूपी पुलिस भी यहाँ पे देखिए तैनात है, और वो भी इस रंगोली को देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि रंगोली फर्श या घरों के प्रवेश द्वारों पर खींची जाने वाली सजावट की एक कला है, और यह घर परिवार में सौभाग्य समृद्धि लाने और मेहमानों का स्वागत करने के लिए माना जाता है। आपको पता है हम दिवाली में और उसके बाद नए साल में कितने घर के बाहर लोग सजावट करते हैं, रंगोलियां बनाते रहते हैं। तो बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की कला है, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे गोरखपुर में जिस तरीके का कल्चर है, तो गणेश भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है। और देखिए ये फाइनल लुक दिया जा रहा है, बॉर्डर का काम चल रहा है अभी स्काई ब्लू कलर का। तो रंगोली तकरीबन कंप्लीट है, और मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ जो, तो इसमें आप बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं लास्ट का लुक कैसा आता है। और आपको वीडियो में भले ही ये रंगोली छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन ये रंगोली काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है इसको। और ये देखिए ये फाइनल ये शेप दे रहे हैं इसको, फाइनल कलर करल जा रहे हैं इसमें। और ये रहा इसका फाइनल लुक। और अभी ये इसके ऊपर से फिर हल्का हल्का पर्पल कलर भी गिरा रहे हैं स्काई ब्लू के ऊपर। तो देखिए और कमेंट करके बताइए कि ये रंगोली आपको कैसी लगी, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में रंगोली बनाते रहते हैं, तो आप भी इनसे सीखिए और अपने घरों को दिवाली में सजाइए रंगोली से। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।